तुम बोले दुनिया का महंगा सा महंगा माइक खरीद लो, लेकिन अगर तुम्हारे माइक की पोजीशन सही नहीं है तो तुम प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ऐसे तो हर कोई करता है, टी शर्ट में लटका लिया, सामने रख लिया, कॉलर में लटका लिया, ये वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन भैया यहाँ पर बात हो रही है प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड की, और प्रोफेशनल वॉइस ओवर आप कैसे कर सकते हो अपने माइक, कोई भी माइक दुनिया का आप ले लो, सस्ते से सस्ता माइक ले लो, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करके आप एक प्रोफेशनल तरीके की जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो कर पाओगे। आज इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। नॉर्मली जो आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि माइक को यहाँ पर आपने लगा लिया और वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी या फिर वीडियो बनाना शुरू कर दी, लेकिन ऐसे नहीं। दूसरी पोजीशन आती है ये कि आपने माइक को यहाँ पर लगा दिया और आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और वो या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भैया ये भी गलत है। तीसरी पोजीशन आती है जो कि आप माइक को या तो फिर हाथ में इस तरह से लेकर आप बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी वॉइस जो है वो ज़्यादा फटने लगती है इस तरीके से। ठीक है, आपने इस तरह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं करनी। मैक्सिमम जो मैं आपको तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो ये है कि आप अपनी माइक को इतना दूर रखें ताकि जिस हिसाब से आपकी वॉइस के जो वोकल्स हैं वो फटे ना। उमूमन आपने देखा होगा जो सिंगर माइक को लेकर गाते हैं उनका माइक की पोजीशन क्या होती है, उनका माइक जो होता है वो उसके नज़दीक होता है। वो इसलिए नज़दीक होता है क्योंकि वो एक सिंगर हैं और उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्रोफेशनल एक बड़े बड़े मिक्सर होते हैं उनमें होती है, फिर उसके बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं उसको एडिट करने के लिए। लेकिन भैया हमने करना है अपने यूट्यूब की वीडियो को रिकॉर्डिंग, तो प्रोफेशनल तरीके से वो कैसे, यहाँ पर देखें ये वाली जो पोजीशन है, अगर इस तरह से आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप मान लो पॉडकास्ट कर रहे हैं या किसी भी आपके पास कोई रोड का माइक है या फिर बोया का माइक है या फिर अदरवाइज सेरेमन का कोई भी माइक है आपके पास, तो उसके लिए सिंपली डिस्टेंस आप उसके डब्बे पर देख सकते हैं कि आप कितना आपको डिस्टेंस रखना है माइक का। बेसिकली जो उमूमन यहाँ पर हमारे लोग करते हैं वो ये होता है कि इनको डिस्टेंस का पता ही नहीं होता है कि माइक का डिस्टेंस कहाँ पर रखना है। आज की इस वीडियो को आपने थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है। ये देखें, अगर आप अपनी वॉइस को इस तरह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं भारीपन के अंदर, तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपके गले के अंदर भी उतनी जान होनी चाहिए, और दूसरी बात कि आपका जो माइक है वो तकरीबन 2 इंच आपके मुंह के करीब हो। ये देखें इस तरीके से आपका जो माइक है वो आपके मुंह के करीब होना चाहिए। और दूसरी पोजिशन में ये बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने वॉइस के अंदर आप ये चाहते हैं कि मेरे गले की आवाज़ गले से आवाज़ आए, तो आप अपनी माइक को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने अपनी माइक रखी है और अब आप मेरी वॉइस को सुन सकते हैं कि किस तरह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और किस तरह से मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है, पहले वाली में और अभी वाली में क्या फ़र्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्योंकि इस तरह की वॉइस आपने बहुत मरतबा किसी रेडियो कहानी पर या किसी बड़े जो डिस्कवरी चैनल होते हैं उनके ऊपर आपने सुनी होगी। अगर आप अपनी वॉइस को इस तरह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो माइक जो अपना है आपका, वो सिंपली आपने अपने गले के साथ टच करके रखना है, क्योंकि उसमें खाली आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आपका फेस नहीं दिखाया जाता कि आपकी माइक की पोजीशन क्या है। लेकिन ये सीक्रेट की बात थी जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर डिस्कवरी के हिसाब से आपका कोई चैनल है या उस तरह की आप कोई वॉइस बनाना चाहते हैं, तो अपने जो माइक है उसका जो मुँह है माइक का, जो उसका फ्रंट है, वो आप अपने गले के साथ इस तरह से अटैच करके रखेंगे, तब जाके आपकी आवाज़ जो है वो ऐसी रिकॉर्ड होगी। अब ये मैंने माइक यहाँ से दूर कर लिया है। तो दोस्तों दूसरी जो पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी माइक को तकरीबन ये जो आपकी फिंगर आती है ये देख रहे हैं, इतना ये डिस्टेंस मैं आपको शो करा रहा हूँ, इस तरीके से डिस्टेंस आपने बना के रखना है। और ये जो वॉइस आपकी रिकॉर्ड होगी इसमें ना तो कोई आपके वोकल्स फटेंगे, ना तो कोई आपकी वॉइस ऐसे क्रिप्स होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपकी एक नॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।